हेलो दोस्तों, आप लोग जीब्रेस का पहला सेशन आज स्टार्ट करने जा रहे हो और मैं आपको बताऊंगा कि जीब्रेस आप सबसे पहले जब स्टार्ट करते हो तो वहाँ से लेकर और जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो जीब्रेस में तो क्या आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीब्रेस दूसरे सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग है। इसको थोड़ा सा हैंडल करना ट्रिकी है। तो जब आप जीब्रेस स्टार्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। ये बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे बने बनाए हैं, ये पहले से ही लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, जीब्रेस की लाइब्रेरी में पहले से ही। तो ये जो विंडो खुल रही है अभी यहाँ पर, जिसमें आप सारे ऑब्जेक्ट और कुछ बने बनाए कैरेक्टर पहले से ही देख रहे हो, ये लाइट बॉक्स है। जब भी आप जीब्रेस ओपन करोगे तो ये लाइट बॉक्स अपने आप ओपन होगा। ये लाइट बॉक्स का बॉक्स यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड से कॉमा बटन, जो ग्रेटर देन बटन है, उसको क्लिक करके आप इसको हटा सकते हो। तो जैसे हमने लाइट बॉक्स पे क्लिक किया वो हट गया, अगर आप लाइट बॉक्स पे दोबारा क्लिक करोगे तो वो फिर से आ जाएगा। तो अभी ये इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको क्लिक करके अभी हटा लेते हैं। अभी आपके पास में आप देखोगे कि आपके वर्क स्पेस में, जो आपका 3D वर्क स्पेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पहले से ही बन के आ रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाना है और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट में जाके। तो जब हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आप ऐसा ब्लैंक स्पेस देखोगे यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कहाँ से ड्रा करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे ये एस टूल करके एक ऑप्शन आ रहा है। आप इसके ऊपर एक क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक विंडो खुल रही है। इस विंडो में यहाँ पर देखिए 3D meshes, ये काफ़ी सारे बेसिक शेप हैं 3D meshes की कैटेगरी में। जिस तरह से माया या मैक्स या ब्लेंडर, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर जब आप उस पर वर्क करते हो तो कुछ बेसिक शेप्स आपको मिलते हैं, तो जीब्रेस के अंदर भी यहाँ पर कुछ बेसिक शेप्स हैं जो कि 3D meshes के अंदर हैं। आप यहाँ से देख सकते हो स्फीयर एंड क्यूब, सिलेंडर एंड ATC, बहुत सारे यहाँ पर बेसिक शेप हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। तो लेट्स की यहाँ पर एक क्यूब यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप कोई भी बेसिक शेप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाता है। देखिए टूल लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको दिखने लगता है जो भी इस टूल के अंदर दिख रहा होगा आप उसको यहाँ ड्रा कर सकते हैं। तो जस्ट आपको स्पेस के ऊपर नॉर्मल क्लिक एंड ड्रैग करना है तो आप देखोगे यहाँ पर कि एक 3D क्यूब जनरेट हो रहा है। अब आप बार बार यहाँ पर अगर क्लिक करते रहोगे, ड्रैग करते रहोगे, तो ये बार बार से उसको रिपीटेडली बनाएगा। और अभी ये 2D मोड पर है, तो ये आप इसको सोचो कि रोटेट कर लें, नहीं कर सकते अभी आप, क्योंकि अभी 2D मोड पे है। तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो उस मिस्टेक को कैसे सही करेंगे, इस बार दोबारा से देख लेते हैं कैसे करना है। डॉक्यूमेंट लेना है आपको, न्यू डॉक्यूमेंट, ये सेव करने के लिए बोल रहा है, हमें अभी सेव नहीं करना है। अभी आपके पास ब्लैंक स्पेस आ चुका है, आप टूल के अंदर जाएंगे, 3D मेश के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रैग करके इसको बनाएंगे। जैसे ही ये ड्रैग करके बना दिया, अब आपको दोबारा से ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि दोबारा से अगर आप ड्रैग करोगे तो आप 2D मोड के अंदर ही रहोगे, आपको 3D मोड में आना है। तो आप यहाँ पर ऊपर देखोगे एडिट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है, या फिर टी इसका शॉर्टकट है, T4 Tree शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपका ये 3D मोड आ गया है। तो अब आप अपने माउस के राइट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देखेंगे आप कि आपका 3D मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर आपके पास में गिज़मो दिखाई दे रहा है, इस गिज़मो से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक कर सकते हैं। ये ग्रीन वाला ऑप्शन आ रहा है टॉप बॉटम के लिए, तो आप ये वाला कैरेक्टर देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लिक किया ये टॉप पर आ गए, अगेन ग्रीन पे क्लिक करोगे तो ये बॉटम पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप इस ब्लू कलर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे अगर, तो
तो आप फ्रंट पे आ रहे हैं और फिर से क्लिक करेंगे तो आप बैक पर जा रहे हैं। ये रेड वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हो रहा है, और अभी दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये राइट के साइड में होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको फ्रंट पे ही रखना है। अब आप देख सकते हो राइट क्लिक से इस मॉडल को हम रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसको जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए जस्ट आपको कंट्रोल बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है और राइट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। ये देखिए जूम हो रहा है। अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं और राइट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके चलाएंगे तो आपका मॉडल रोटेट होगा, ये जूम नहीं होगा। जूम करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ में राइट माउस बटन आपको प्रेस एंड होल्ड करके चलाना है। अगर आप इसको मूव कराना चाहते हो तो आल्ट के साथ में राइट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और अपने मॉडल को कहीं पर भी मूव करा के रख सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास में। पहला है नॉर्मली राइट बटन को प्रेस करके रखना है प्रेस एंड होल्ड, जिससे रोटेशन होगी। और अगर आपको जूमिंग करनी है तो कंट्रोल के साथ राइट बटन को यूज़ करेंगे, जूम होगा। और अगर आपको मूव करना है ऑब्जेक्ट को तो राइट माउस बटन के साथ में आप इसको कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। एक और ऑप्शन है आपके पास में, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा होगा साइड में, ये पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या फिर जूम करके देखेंगे बहुत छोटा भी हो सकता है। एनी टाइम आप एफ बटन को, एफ फॉर फेस, एफ बटन को प्रेस करेंगे तो वो मॉडल आपका कहीं पर भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जस्ट लाइक कि आप साइड में यहाँ पर अगर रखोगे और अगर ऐप प्रेस करोगे तो वो फ्रंट पे आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से लेके उसको एडिट मोड पर लाने तक और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपने अभी देख लिए। तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी देखेंगे और भी एक्सपेंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उसको बेल बटन को जरूर क्लिक करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको पता लगते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।